today I will start your SST class online. Dear students, for class 3, today's our topic is chapter number 5, Physical Features of India. Dear students, हमारा जो chapter number 5 है वो है Physical Features of India. इस chapter के हम exercise और wordings and difficult words complete कर चुके हैं. I hope you learn and write. Today we will do this chapter question number 1st. What are the main physical divisions of India? India के जो main physical divisions हैं, भौतिक जो part हैं, उनके बारे उनका उनको लिखना है. कौन कौन से वो भौतिक parts हैं हमारे. सो बेटा, हमने chapter में read किया था, हमारे कितने physical divisions हैं? 6 physical divisions हैं. First, सबसे पहले answer लिखेंगे. First क्या है? The Northern Mountain. The NORTHERN Northern Mountain. MOUNTAIN. The Northern Mountain. Second is the Northern Plain. The NORTHERN Northern PLAINS. Plains. Third is the Great 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 Indian 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 Desert DESERT Desert. Fourth is the Dakkan DECCAN Dakkan PLATAU Plateau. Fifth is the coastline Coastal Plains. The COASTAL Coastal PLAIN Coastal Plain. Sixth is the islands, the ISLANDS islands. एक बार फिर देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. What are the main physical divisions of India? इंडिया के जो मेन फिजिकल डिविजन्स हैं वो कौन कौन से हैं. तो आंसर लिखेंगे, फर्स्ट नंबर डालेंगे द नॉर्दर्न माउंटेन. द नॉर्दर्न माउंटेन. सेकेंड इज द नॉर्दर्न प्लेन्स. थर्ड इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. फोर्थ इज द दक्कन प्लेट्यू. और फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन. एंड सिक्स्थ इज द आइलैंड्स. सो डियर स्टूडेंट्स, द नॉर्दर्न माउंटेन्स मीन्स उत्तरी जो हिमालय है वो, उत्तरी जो हमारे पर्वत है वो. द नॉर्दर्न प्लेन्स जो नॉर्दर्न माउंटेन के जस्ट साउथ में जो प्लेन का एरिया है वो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट तो हमने हमारे चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जो राजस्थान के रीजन को, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो इंडिया के वेस्टर्न साइड है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड. और उसके बाद है द दक्कन प्लेट्यू. ये हमारा साउदर्न प्लेट्यू भी है जो ट्रायंगुलर शेप में है हमारे इंडिया के अंदर. और उसके बाद है फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन, जो तटीय मैदान है जो हमारे इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों साइड जो कोस्टल प्लेन है वो द कोस्टल प्लेन्स. एंड सिक्स्थ इज द आइलैंड्स, जो द्वीप हैं इंडिया के जो ओशियंस के अंदर स्थित हैं, जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल की साइड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और इधर अरेबियन सी वेस्टर्न साइड में, अरेबियन सी में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है. ये दो आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर. तो इंडिया के 6 फिजिकल डिविजन्स किए हुए हैं. आपको ये क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लर्न एंड राइट दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक. शुड बी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, आप सभी को पता है कि आपके S7 का जो है सिलेबस, क्या एग्ज़ाम हो चुके हैं. अभी हम PT2 का सिलेबस शुरू करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको PT2 का हिंदी ग्रामर का सिलेबस लिखवा रही हूँ. कक्षा तीसरी में हमारा PT2 का हिंदी व्याकरण का सिलेबस है. पाठ 9 क्रिया, पाठ 10 अव्यय, पाठ 11 वाक्य, पाठ 12 विराम चिन्ह, पत्र लेखन और कहानी लेखन. ये हम करेंगे PT2 के सिलेबस में. तो बच्चों, कक्षा तीसरी में पाठ 9 क्रिया मैंने पढ़ा दिया था आपको, कुछ प्रश्न भी मैंने कराए थे. अब बाकी के बचे हुए प्रश्न हम आज करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. प्रश्न नंबर क हम कर चुके थे, अभी आज हम करेंगे प्रश्न नंबर ख. निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक और सकर्मक क्रिया चुनकर लिखिए.
सकर्मक क्रिया में क्या होता है बच्चों? सकर्मक क्रिया में वाक्य में तीन चीजें होती है, कर्ता, क्रिया और कर्म। सकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्म होता है, और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, सिर्फ दो चीजें होती है, कर्ता और क्रिया। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा पहला वाक्य है, पशु चरते हैं। यह काम करने वाला कौन है? पशु। और क्रिया क्या कर रहे हैं? चरने की। तो हमारे पास कर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक। तो यहाँ हम लिख देंगे अकर्मक, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला वाक्य है, अध्यापक ने राधा को मारा। यहाँ काम करने वाला कौन है? अध्यापक। तो ये क्या हो गया हमारा? कर्ता। और क्रिया क्या की है इसने? मारने की क्रिया। और ये जो राधा है ये क्या है? कर्म। तो इसमें कर्म है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? ये क्रिया हो गई सकर्मक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सकर्मक। इसके बाद है, ऋचा ने कमीज धो दी। यहाँ काम करने वाला कौन है? ऋचा, यानी ऋचा करता है। और धोना क्रिया की है उसने, और जो कमीज है वो क्या है? कर्म है। तो इसका मतलब ये भी सकर्मक क्रिया है। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? सकर्मक। अगला वाक्य, रितेश ने कविताएं लिखी। यहाँ रितेश कार्य करने वाला है यानी करता है, और लिखने की क्रिया उसने की है, और कविताएं क्या है? कर्म है। तो ये भी सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे सकर्मक। इसके बाद नमन खेलने गया। नमन खेलने गया, यहाँ नमन है कर्ता यानी काम को करने वाला, और खेलने की क्रिया उसने की है। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि कर्म नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। यहाँ पर हम लिख देंगे अकर्मक। अगला वाक्य है, पूनम ने पुस्तक लौटा दी। पूनम ने पुस्तक लौटा दी। यहाँ पूनम करता है, काम को करने वाली है, और लौटाने की क्रिया उसने की है, और पुस्तक क्या है यहाँ पर? कर्म है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सकर्मक। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इनकी पहचान बताइए। अकर्मक क्रिया, इसकी पहचान क्या है? जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, नहीं होता, वह अकर्मक क्रिया होती है। वह अकर्मक क्रिया होती है। दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर्म होता है, जिस क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होती है। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को कर्म लिखकर पूरा कीजिए। बालक ने डैश पिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दूध। बालक ने दूध पिया। माँ डैश पका रही है, तो यहाँ लिखेंगे हम खाना। क्या कर्म किया माँ ने? खाना पकाने का। पिताजी चाकू से डैश काटते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे फल। पिताजी चाकू से फल काटते हैं। हमारे अध्यापक डैश पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुस्तक। रोहन अपनी डैश चला रहा है, यहाँ पर हम इसका कर्म लिखेंगे साइकिल। साइकिल। तो बच्चों ये प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं, और जो सिलेबस मैंने आपको लिखवाया हिंदी व्याकरण का उसको अपनी
जो न्यू नोटबुक है उसके फर्स्ट पेज पे आप लिखेंगे सुंदर राइटिंग में, और उसके बाद आप लिखेंगे पार्ट नौ सुंदर राइटिंग में और याद करेंगे। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम मनीषा, मैं मैथ्स टीचर फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुर। लेट वी स्टार्ट अवर मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास थर्ड। माय डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास वी कंप्लीट अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.4। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेकंड। अरेंज द फॉलोइंग इन कॉलम्स एंड एड। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है। इसमें पहले हमें गिवन नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज करना है, उसके बाद उनको ऐड करना है। सो लेट स्टार्ट। स्टूडेंट, पार्ट ए में गिवन है 64 रुपीज एंड 27 रुपीज 48 पैसे। पहले इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स, इधर राइट करने हैं रुपीज़ और इधर राइट करने हैं पैसे। रुपीज़ कितने हैं? 64 पॉइंट। पैसे इसमें कुछ भी नहीं है तो हम 00 राइट करेंगे। नाउ 27 रुपीज़ पॉइंट 48 पैसे। नाउ वी एड। 0 में 8 को प्लस किया 8, 0 में 4 को प्लस किया 4, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर को प्लस करते तो आंसर इटसेल्फ वही नंबर आता है। नाउ 4 में 7 को प्लस किया 11, 1 कैरी ऊपर राइट कर देंगे। 6 प्लस 2 8 प्लस 1 कैरी 9। सो स्टूडेंट्स, 64.00 रुपीज़ प्लस 27.48 रुपीज़ इक्वल टू 91 रुपीज़ 48 पैसे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी। पार्ट बी में गिवन है 46 रुपीज़ 75 पैसे, 11 रुपीज़ 89 पैसे एंड 20 रुपीज़। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज इन कॉलम्स रुपीज़ पैसे। लेफ्ट हैंड साइड में रुपीज़ राइट करेंगे और राइट हैंड साइड में पैसे राइट करेंगे। 46.75 पैसे, 11 रुपीज़ 89 पैसे, 20 रुपीज़ 0.00 पैसे। नाउ वी एड। 5 में 9 को प्लस किया 14, 14 में 0 को प्लस किया 14, 14 का 4 यहाँ 1 कैरी ऊपर। 7 प्लस 8 15, 15 में 0 को प्लस किया 15 प्लस 1 कैरी 16, 6 1 कैरी। नाउ पहले पॉइंट पुट करना है। 6 प्लस 1 7, 7 में 0 को प्लस किया 7, 7 में 1 कैरी को प्लस किया 8, 4 में 1 को प्लस किया 5, 5 में 2 को प्लस किया 7। सो स्टूडेंट्स, 46 रुपीज़ पॉइंट 75 पैसे, 11 रुपीज़ पॉइंट 89 पैसे प्लस 20 रुपीज़ पॉइंट 0.00 पैसे इक्वल टू 78 रुपीज़ पॉइंट 64 पैसे। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी। पार्ट सी में हमें गिवन है 77 रुपीज़ पॉइंट 70 पैसे, नेक्स्ट 105 रुपीज़ पॉइंट 6 पैसे एंड 85 पैसे। स्टूडेंट्स, 85 लास्ट में पैसे गिवन है, रुपीज़ गिवन नहीं है इसके आगे। नाउ पहले इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे रुपीज़ एंड पैसे। इधर फर्स्ट गिवन है 77 रुपीज़ पॉइंट 70 पैसे, नेक्स्ट 105 रुपीज़ पॉइंट 6 पैसे, नेक्स्ट 85 पैसे। पैसे गिवन है तो उसको पैसे वाले साइड राइट हैंड साइड में राइट करेंगे, रुपीज़ गिवन नहीं है, रुपीज़ की जगह 00 राइट करेंगे। नाउ ऐड। 0 में 6 को प्लस किया 6, 6 में 5 को प्लस किया 11, 1, 1 कैरी। 7 में 0 को प्लस किया 7, 7 में 8 को प्लस किया 15, 15 वन कैरी 16, 6, 1 कैरी। नाउ पॉइंट, 7 में 5 को प्लस किया 12, 12 में 0 को प्लस किया 12, 12 में 1 कैरी को प्लस किया 13, 3, 1 कैरी। 7 में 0 को प्लस किया 7, 7 में अगेन 0 को प्लस किया 7, 7 में 1 कैरी को प्लस किया 8। नाउ 8, 1 में 1 को प्लस किया 2। सो स्टूडेंट्स, और आंसर इज 283 रुपीज़ पॉइंट 61 पैसे। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट जी। स्टूडेंट, पार्ट जी में हमें गिवन है 157 रुपीज़ पॉइंट 81 पैसे, नेक्स्ट 80 रुपीज़ पॉइंट 85 पैसे एंड नेक्स्ट 33 रुपीज़ पॉइंट 33 पैसे। नाउ फर्स्ट वी अरेंज इन कॉलम्स रुपीज़ पैसे। फर्स्ट अमाउंट है 157
रुपीज पॉइंट 81 पैसे प्लस 80 रुपीज पॉइंट 85 पैसे नेक्स्ट 33 रुपीज पॉइंट 33 पैसे। नाउ वी ऐड, 1 में 5 को प्लस किया 6, 6 में 3 को प्लस किया 9, 8 में 8 को प्लस किया 16, 16 में 3 को प्लस किया 19, 9, 1 कैरी, नाउ पॉइंट। 7 में 0 को प्लस किया 7, 7 में 3 को प्लस किया 10, प्लस 1 कैरी 11, 1, 1 कैरी। 5 में 8 को प्लस किया 13, 13 में 3 को प्लस किया 16, प्लस 1 कैरी 17, 7, 1 कैरी। 1 में 1 को प्लस किया 2। स्टूडेंट्स यहाँ कुछ भी डिजिट नहीं है तो आप 00 भी राइट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स 157.81 प्लस 80 रुपीज़ पॉइंट 85 पैसे प्लस 33 पैसे इक्वल टू 271 रुपीज़ 99 पैसे। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली रिवाइज रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स मैंने आपको करा दिए, 4 पार्ट्स आपके रिमेनिंग रहते हैं, वो आपको खुद करने। सो स्टूडेंट्स यू डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 इन योर फेयर नोटबुक विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टार्ट आवर वीडियो ऑफ क्लास 3rd इंग्लिश रीडर। इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग पार्ट एंड बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 11 द ग्रीडी beggar, and now we will start our question answer. So let's start part F. Answer the following question in 1 or 2 words. Question first is, who was sitting in front of the rich man's house? जो रिच मैन था, धनी व्यक्ति था, उसके घर के सामने कौन बैठा हुआ था? तो आ बेगर। कौन बैठा था बेटा? एक भिखारी। क्वेश्चन सेकंड, हु शाउटेड एट द बेगर? भिखारी पर कौन चिल्लाया? तो भिखारी पर कौन चिल्लाया था? अ रिच मैन, एक धनी व्यक्ति। थर्ड क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द बेगर हु वॉज ग्रीडी? जो बेगर था, भिखारी था, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो लालची था, कौन था वह? तो कौन होते हैं बेगर के अकॉर्डिंग लालची? रिच पीपल। जो धनी व्यक्ति होते हैं वो ग्रीडी होते हैं अकॉर्डिंग टू द बेगर। पार्ट एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 sentence। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डिड द रिच मैन शाउट एट द बेगर? जो धनी व्यक्ति था वह भिखारी पर क्यों चिल्लाया? आंसर इज बिकॉज द बेगर सेट इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, क्योंकि जो भिखारी था वह उसके घर के सामने बैठा था। सेकंड क्वेश्चन, हु वॉज यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी दैट अपियर्ड इन फ्रंट ऑफ द बेगर? सुंदर और जवान वह औरत कौन थी जो भिखारी के सामने प्रकट हुई थी? तो वो कौन थी? आंसर, सी वॉज द गोडेस ऑफ गोल्ड, वह धन की देवी थी। सी वॉज द गोडेस ऑफ गोल्ड, वह धन की देवी थी। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द बेगर टेल गोडेस अबाउट रिच पीपल? जो बेगर था उसने गोडेस को रिच पीपल के बारे में, धनी व्यक्ति के बारे में क्या बताया? तो आंसर होगा, ऑल दीज रिच मैन आर क्रूल एंड ग्रीडी, दे नेवर हेल्प द पुअर। जो बेगर था उसने गोडेस कौन, देवी को बताया था, जो कि गोल्ड की गोडेस थी, कि जो रिच पीपल होते हैं वो कैसे होते हैं? निर्दयी और लालची होते हैं। जो सभी रिच पीपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्रूल एंड ग्रीडी, निर्दयी और लालची, और वे दे नेवर हेल्प द पुअर, वे गरीबों की कभी हेल्प सहायता नहीं करते। सो स्टूडेंट्स प्लीज राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी विल स्टडी ऑन चैप्टर 3rd। तो हमने प्रीवियस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ा था? बर्ड्स की
बीक्स कैसी होती है, चोंच कैसी होती है, किसी की टीयरिंग बीक होती है, किसी की क्रैकिंग बीक होती है, किसी बर्ड्स की नीडल लाइक बीक होती है, किसी की चीजल लाइक बीक होती है, किसी की लॉन्ग ब्रॉड पॉइंटिंग बीक होती है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बर्ड्स के फिट एंड क्लोज, पैर उनके क्लोज मतलब उनके पंजों के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स यूज़ देयर फिट एंड क्लोज फॉर मैनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़। जो बर्ड्स है, पक्षी है, वो अपने यूज़ करते हैं फिट एंड क्लोज, पंजे और पैर किसके लिए, फॉर मैनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग, कैचिंग प्रे, वॉकिंग घूमने के लिए, स्विमिंग तैरने के लिए, कैचिंग प्रे जैसे कि किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, पर्चिंग करने के लिए, वेडिंग करने के लिए, क्लिम्बिंग करने के लिए, स्क्रैचिंग एंड डिगिंग करने के लिए। अ बर्ड मे आल्सो यूज इट्स फीट एंड क्लोज टू प्रोटेक्ट इट्सेल्फ फ्रॉम एनिमीज। जो बर्ड है अपने फीट एंड क्लोज को यूज़ करते हैं किससे, अपने आप को एनिमीज अपने दुश्मनों से बचाने के लिए। अब आता है बर्ड्स दैट स्विम। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं, जैसे डक्स, गीज एंड श्वेंस ऑल हैव वेब्ड फीट विद थ्री टॉयज इन फ्रंट एंड वन टॉय एट द बैक। क्या होते हैं जो डक, गीज और स्वैन बर्ड्स होते हैं, उनके पास कैसे फिट होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, थ्री टॉयज फ्रंट में होते हैं और एक टॉय क्या होता है, बैक में। द थ्री टॉयज एट द फ्रंट आर जॉइन बाई स्किन। जो थ्री टॉयज फ्रंट की सामने की ओर होते हैं वो ज्वाइन होते हैं किसे, स्किन से, विच इज़ कॉल्ड वेब। उनको हम क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। इट हेल्प्स द बर्ड टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग। ये किस में हेल्प करते हैं, जब बर्ड्स स्विमिंग करता है उसमें हेल्प करते हैं वाटर को पुशअप करने के लिए, यानी कि पीछे की ओर करने के लिए, ठीक है। तो अब है बर्ड्स ऑफ प्रे। रैप्टर्स और बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक बर्ड्स ऑफ प्रे, यानी कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कुछ बर्ड्स को पकड़ लेते हैं फिर उन्हें खा लेते हैं, जैसे कि ईगल्स, हॉक्स एंड फैलकॉन्स, बाज और ये चील वगैरह। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं उनके पास क्या होते हैव शार्प एंड पावरफुल क्लोज कॉल्ड टैलोंस। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि ईगल्स, हॉक्स, फैलकॉन्स, उनके पास क्या होते हैं, शार्प और पावरफुल क्लोज होते हैं, उनके पंजे होते हैं, उनको हम बोलते हैं टैलोंस। जैसे कि देखो ये बर्ड्स ऑफ प्रे, ये दिखा भी रखा है उनके पास, देखो ये क्या है, उनके पंजे दिखा रखे कितने ज़्यादा शार्प है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, टैलोंस। एंड दे यूज़ देम फॉर कैचिंग फूड। और किस में यूज़ करते हैं ये अपनी क्लोज को, फूड को कैचिंग करने के लिए, जैसे कि रैट्स वगैरह को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं फिर उन्हें खा लेते हैं, और स्मॉल बर्ड्स जैसे कि चिड़िया वगैरह को पकड़ लेते हैं ये जो बर्ड्स हैं, ईगल्स, हॉक्स, ठीक है। अब आता है बर्ड्स दैट पर्च। क्राउन्स, स्पैरोज एंड मैनाज हैव थ्री टॉयज इन फ्रंट एंड वन एट द बैक। क्राउन्स, स्पैरो, चिड़िया वगैरह और जो ये मैना वगैरह होती है, उनके पास क्या होते हैं, थ्री टॉयज सामने की ओर होते हैं और एक बैक की तरफ होता है। दिस काइंड ऑफ क्लोज हेल्पफुल सच बर्ड्स टू होल्ड ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ये क्या करते हैं, इनके जो क्लोज होते हैं, पंजे होते हैं, ये किस में हेल्प करते हैं, जो ये बर्ड्स होते हैं जैसे स्पैरो वगैरह, मैना वगैरह, ये जैसे कि जब पेड़ की टहनी पर बैठते हैं तो उसको होल्ड करते हैं, मतलब जैसे उन्हें बैठते हैं तो ये होल्ड कर लेते हैं तो ये गिर नहीं पाते उससे, ठीक है। फिर उसके बाद है वेडिंग बर्ड्स। सम बर्ड्स डू नॉट स्विम। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्विम नहीं कर सकते, तैर नहीं सकते, बट वेड थ्रू वाटर, जैसे कि वो पानी में चल सकते हैं, वेड कर सकते हैं। सच बर्ड्स हैव लॉन्ग स्लेंडर लेग्स दैट अलो देम टू वॉक स्लोली थ्रू वाटर। ये बर्ड्स क्या करते हैं, मतलब इनके पास कैसे क्लोज होते हैं, लॉन्ग स्लेंडर लेग्स, ये क्या करते हैं, जैसे कि पानी में धीरे धीरे वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, विदाउट गेटिंग वेट, बिना मतलब भीगे हुए, मतलब जैसे पानी में चल सकते हैं। क्रेन्स, हीरोन्स एंड शेन पाइपर्स आर वेडिंग बर्ड्स। जैसे कि दिखा रखा है ये क्या है, ये वेडिंग बर्ड्स है, और कुछ एग्जांपल भी है जैसे कि क्रेन्स, हीरोन्स एंड सेंड पाइपर, ये कौन से बर्ड्स है, वेडिंग बर्ड्स। और वेडिंग बर्ड्स कौन से होते हैं, जो पानी में धीरे धीरे स्लोली वॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है बर्ड्स दैट क्लिम। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो जैसे कि चढ़ सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखा रखा है फिगर में, धीरे धीरे चल के वो चढ़ सकते हैं पेड़ वगैरह पर। सम बर्ड्स प्रेफर टू वॉक अप एंड डाउन ट्री ट्रंक्स ऑन फीट। कुछ बर्ड्स जैसे कि चल सकते हैं धीरे धीरे और पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं अपने फीट पैर से। द शेप ऑफ देयर
द शेप ऑफ देयर फिट एंड क्लोज हेल्प देम वॉक, जो उनकी जो फिट एंड क्लोज की जो शेप होती है वो इसी टाइप की होती है कि उनकी वो किस में हेल्प करते हैं वॉक करने में. फॉर एग्जाम्पल ए वुड पैकर हैज़ टू टॉयज, जो वुड पैकर होता है उसके कितने टॉयज होते हैं, टू टॉयज होते हैं, पॉइंटेड फॉरवर्ड दो आगे की तरफ एंड टू टॉयज पॉइंटेड बैकवर्ड दो पीछे की तरफ. दिस टॉय अरेंजमेंट स्पोर्ट्स इट एज इट क्लिम्स अप एंड डाउन ए ट्री, जिसमें वो किस में हेल्प करते हैं पेड़ पर चढ़ने में, क्लिम्स अप करने में एंड डाउन करने में, उतरने में. उसके बाद आता है बर्ड्स दैट स्क्रैच एंड डिग, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो मतलब जैसे कि थोड़ा सा गड्ढा भी खोद सकते हैं, जैसे कि हैंड्स हैव हार्ड एंड शार्प क्लोज दैट हेल्प देम स्क्रैच एंड डिग द ग्राउंड फॉर इंसेक्ट एंड सीड्स दैट दे ईट. हैंड्स हैव हार्ड एंड शार्प क्लोज, जो हमारी हैंड्स मुर्गियाँ होती हैं उनके पास कैसे क्लोज होते हैं, हार्ड और शार्प क्लोज दैट हेल्प देम स्क्रैच, वो किस में हेल्प करते हैं जैसे कि ग्राउंड को डिग करने में. वो ग्राउंड को डिग क्यों करते हैं, जिससे कि जैसे इंसेक्ट मिल जाए या फिर सीड मिल जाए और उनको वो खा ले. तो फिर ओके, तो कल हम पढ़ेंगे हाउ बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं.